अभी मैं एक बहुत अच्छा गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो फिल्म मोहे लागी लगन शाम की। ऐसा लगता है ना ये सुन के कि हमारा ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, सामने आ गया गाना। तो एक्चुअली उसी से इंस्पायर होके इस फिल्म का नाम रखा गया है, और एक भोजपुरी फिल्म है और मैंने ये भोजपुरी गाना गाया है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं दामोदर राव जी, जो बहुत प्रतिष्ठित म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम यहाँ सना स्टूडियो में मुंबई में इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके लिरिसिस्ट कवि जो हैं श्री अनिरुद्ध तिवारी जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर गीत लिखा है। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, वो दिनेश शाह जी हैं, फिल्म के डायरेक्टर अनिल जी हैं। तो सब ने मिल के ये चीज़ तैयार की है, क्योंकि कोई भी फिल्म का गाना होता है केवल गायक से नहीं हो जाता है, उसमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और सब ने अपना अपना योगदान दिया है और ये सुंदर गाना बना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस गाने को पसंद करेंगे। सर, भोजपुरी से आप कितना इम्प्रेस होते हैं जब गाना गाते हैं? हम तो बहुत मज़ा लेते हैं भोजपुरी गाने का, क्योंकि हम हैं या उधर के, हम यूपी के हैं, लखनऊ के हैं। आज पता चल गया कि आप यूपी के हैं। लखनऊ, यूपी, बिहार सब एक ही है, खाना पीना एक जैसा है, बोली भी करीब करीब मिलती जुलती है, और आजकल तो पार्टी भी सरकार भी दोनों की एक ही है। तो ये चीज़ देख के वहाँ अच्छा लगता है कि लोग आनंद से वहाँ संगीत का मजा लेते हैं। सर, दर्शक नए भजन आपके सुनेंगे, तो कुछ नया एल्बम आपका? हाँ, बहुत नई चीज़ आ रही है। अभी हमारा एक पूरी भगवत गीता आ रही है, जो हमने उर्दू में रिकॉर्ड की है। 1750 शेर गाए हैं हमने उर्दू में, जो पूरी भगवत गीता गाई है। बहुत जल्दी लोग उसका भी आनंद लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं दामोदर राव आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ, सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा ही खुशी का दिन है और मेरा सौभाग्य है कि काफ़ी दिनों के बाद हमारे पूज्य गुरु श्री अनूप जलोटा जी का गाना हमारे म्यूजिक में गाने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे सना स्टूडियो में आज रिकॉर्डिंग हुआ फिल्म मोहे लागी लगन श्याम की, जिसके डायरेक्टर हैं अनिल जी और प्रोड्यूसर हैं दिनेश शाह जी, इसके अभिनेता हैं दिनेश मधेसिया जी, और ये गीतकार जो है अनिरुद्ध तिवारी जी। आज बहुत ही सुंदर रिकॉर्डिंग हुआ इस स्टूडियो में। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, गुरु जी को आशीर्वाद मिला आज। और बड़े हम लोग भाग की बात है कि आज रिकॉर्डिंग हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।